एक स्किल है, एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नॉलेज को अपने से दूसरे तक भिजवाना एक बहुत बड़ा स्किल बन चुका है। इसलिए हम लोगों ने आपके आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, मुझे उम्मीद है आप लोग इनसे सीख रहे होंगे आपकी ट्रेनिंग। तो ये हमने देखा हमारे डाइट और पीटीईसी और सीटीई में जो ट्रेनिंग हमारी जो फैकल्टी कर रही है वो बड़ी अच्छे लेवल की ट्रेनिंग। मुझे नहीं लगता आपको इस तरह की ट्रेनिंग पहले कभी हुई होगी। तो ये टीचिंग को ये पढ़ाएंगे कि पढ़ाते कैसे और वो ज़रूरी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा फ़ायदा उठाएंगे ट्रेनिंग में। और आप लोग 13 तक रहेंगे, सेकेंडरी में तो इसी साल पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन मिडिल में अगले साल कंप्यूटर पहुंच जाएगा। तो कंप्यूटर पे अपना ग्रिप बना लीजिए। हर एक की कितनी क्लासेस होती है कंप्यूटर की? कंप्यूटर की डेली एक क्लासेस है, डेली एक क्लासेस। एसएनए अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है, सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार शिक्षकों के जो ट्रेनिंग सेंटर है डायट में पहुंचकर उनके तमाम जो प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। इस बीच वो जब किसी भी डायट सेंटर पर पहुंचते हैं तो शिक्षकों को लेकर कई सारे निर्देश देते हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे के पाठक, नूरसराय डायट में प्रशिक्षण ले रहे नवनियुक्त शिक्षकों से बातचीत की, शिक्षकों को कई सारे दिशा निर्देश दिए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगले साल तक सभी विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। के पाठक गुरुवार की शाम नालंदा जिले के नूरसराय स्थित डायट संस्थान पहुंचे। डायट पहुंचकर के पाठक ने डायट के प्राचार्य से बातचीत की। सेकेंडरी में तो इसी साल पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन मिडिल में अगले साल कंप्यूटर पहुंच जाएगा। तो कंप्यूटर पे अपना ग्रिप बना लीजिए। हर एक की कितनी क्लासेस होती है कंप्यूटर की? कंप्यूटर की डेली एक क्लासेस है, डेली एक क्लासेस। एसएनए अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है, पीएफएमएस के बारे में या जेई पोर्टल के बारे में है। डायट के अंदर जो स्पेस है उस एरिया को लेकर बातचीत किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिक्षक है उनके प्रशिक्षण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए। आप सभी को गाँव में ही रहना होगा, साथ ही साथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होगा। आप सभी को कंप्यूटर क्लास भी अगले साल से शुरू करने होंगे। के पाठक ने कहा कि जल्द ही सभी विद्यालयों में कंप्यूटर पहुंच जाएंगे, टेक्नोलॉजी के सहारे टीचिंग करना होगा। टीचिंग एक स्किल है, एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नॉलेज को अपने से दूसरे तक भिजवाना एक बहुत बड़ा स्किल बन चुका है। इसलिए हम लोगों ने आपके आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, मुझे उम्मीद है आप लोग इनसे सीख रहे होंगे आपकी ट्रेनिंग। तो ये हमने देखा हमारे डाइट और पीटीईसी और सीटीई में जो ट्रेनिंग हमारी जो फैकल्टी कर रही है वो बड़ी अच्छे लेवल की ट्रेनिंग। मुझे नहीं लगता आपको इस तरह की ट्रेनिंग पहले कभी हुई होगी। तो ये टीचिंग को ये पढ़ाएंगे कि पढ़ाते कैसे और वो ज़रूरी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा फ़ायदा उठाएंगे ट्रेनिंग में। और आप लोग 13 तक रहेंगे तो 13 तारीख गांव के विद्यालयों में सुबह से शाम तक पढ़ाई होती रहेगी। खासकर 3:30 बजे के बाद से जो मिशन दक्ष कार्यक्रम बच्चों के लिए अवश्य जो निर्देश दिए गए चलाने के लिए उसे विशेष तौर पर सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में लागू करें। 3 जनवरी से जो लगेगा सेशन मिस कर दिया या ऐड करना चाहे तो देखिए, हम लोग आपको बता दें कि मिशन दक्ष का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। गाँव में बच्चे रुक के पढ़ रहे हैं कक्षा 3 से कक्षा 8 तक। और जो बोर्ड पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।